तो हेलो गाइस, मैं फिर से एक बार आ गया हूँ अपना यूट्यूब चैनल पे। मोबाइल क्रेन कैसे स्टार्ट होगा और बताएंगे कि कैसे लेंथ इसका क्या है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। और वीडियो जो बनाएगा मैं, वो आप थोड़ा पूरा तक देखिए वीडियो, और मैं देखिए सब है भाई। XE MG 110 है क्रेन। मैं आपको इसका मैं कैसे चलेगा मैं आपको बताऊँगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं शुरू से अंत तक वीडियो बनाऊंगा आपको, ज़्यादा लंबा ज़्यादा वीडियो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको अच्छे से सिखाऊंगा मैं, थोड़ा अच्छे से सीखिएगा आप लोग। बोलिए। पहला तो इसका बैटरी कटअप है, बैटरी को इधर से ऑन करना है। जी सर, ओके। उसके बाद यहाँ पे चाबी दिया हुआ है, चाबी ऑन करना है। ओके सर, ओके। थोड़ा देर के बाद वो कंप्यूटर वो पूरा ओपन हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये कंप्यूटर है अपना, देखो इस पे लिखा हुआ है क्वालिटी सब वगैरह, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये सेल्फ मारना है, सेल्फ मारने के बाद चालू हो जाएगा क्रेन। तो सर सेल्फ कहाँ से मारेंगे? ये चाबी से सेल्फ आएगा। ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे पूरा कंप्यूटर में हर पास से लीजिए, ये कंप्यूटर में यहाँ पे रेडियस है, ये हाइट है, ये डिग्री है, बूम लेंथ है, ये काउंटर वेट का है, ये अपना आउटरिगर का है, ये अपना फॉल का है, ये कोड है। सर थोड़ा हमें डिटेल बताइए, कितना काउंटर वेट कितना टन का है आपका? 19.2 टन है, उसका कोड है 0001। अच्छा, 001 का कोड है काउंटर वेट का। सर इसका क्या मतलब 8.7 मीटर क्या है? ये आउटरिगर अपना है, फुल आउटरिगर 8.7 मीटर। और ये कौन सा है? ये अपना फॉल है 10 हाथ। अच्छा ठीक है सर। और जो ये लिखा हुआ है 1.5 मीटर, इसका ये अपना हाइट है, लिफ्टिंग हाइट बता रहा है 15.8 मीटर। तो सर ये जो 6.9 वो दिखा रहा है, वो सर इसका क्या मतलब है? ये अपना डिग्री है, डिग्री। और जो 14.0 ये अपना बूम लेंथ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं सर से सारी जानकारी ले लिया हूँ। और सर इसका क्या मतलब हुआ, LMI का सिस्टम हैज नो एरर? ये एरर कोई भी सिस्टम का एरर आएगा तो उसका यहाँ पे शो करेगा। अच्छा, मतलब जो मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये सिस्टम अपना बताएगा कि प्रॉब्लम है। हाँ ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है और जो उठाइएगा उसका लोड का ही है, मतलब जो जितना लोड उठेगा यहाँ बताएगा कितना टन का माल है ना। हाँ ओके। और ये लिखा है सिक्स, ये अपना कैपेसिटी में बन रहा है। ये आपका ओम कोड हो गया, इसका सेटिंग आना है, यहाँ पे दबाइए नीचे, उस ये कोड बता रहा है 001 19 टन का। कौन सा दबाना पड़ेगा, थोड़ा बैक करिए फिर से। हाँ, ये ओम कोड लिखा है, उसके नीचे सीधे F2 है बटन। ओके, उसको दबाना है। ओके, ये अपना आएगा काउंटर वेट का पूरा शो करेगा, डिटेल शो करेगा 19 टन में कितना कोड है, 14.3 में कितना कोड है, 8.3 में कितना कोड है, 0.0 काउंटर वेट में कितना कोड है। तो सर उसका क्या मतलब है, 360 सेल्सियस क्या मतलब है? ये 360 डिग्री में स्विंग का है, पूरा फुल स्विंग कर सकते हैं 360 डिग्री में। ये फुल आउट ट्रिगर का है। ओके सर, दूसरा बताइए। ये रिबिंग है, ये रिबिंग भरना है तो डायरेक्ट यहाँ से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके सामने F5 दबाइएगा, आएगा रिबिंग के आ गया। आप ये जो एरो है, ये एरो है तो इधर आएगा, जीरो जो दिया पीछे जाएगा, ये एरो से आगे आएगा, आ गया। अब जो इसमें 1, 2, 3 जो भी रिबिंग भरना है तो यहाँ से देखिए ऊपर नीचे करने के लिए सिस्टम दिया है, ये ऊपर कीजिएगा तो बढ़ेगा और नीचे कीजिएगा तो घटेगा। तो सर रिबिंग का क्या मतलब हुआ, थोड़ा हिंदी में बताइए। ये जो अपना फोल होता है, जैसे फोल बोला जाता है, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 5 हाथ 6 हाथ भरा जाता है, उसको रिबिंग बोला जाता है। अपने मटेरियल उठाने के हिसाब से कैपेसिटी के लिए भरते हैं। ओके ओके सर, दूसरा बताइए। अभी इसको सेट करने के लिए, जैसे एक पे करना है तो उसको एंटर करें, जैसे एक पे करना है तो इसको बाद इसको डायरेक्ट बैक आ जाइए, बैक आना है, बैक आना है,
उसके बाद फिर वो वापिस बैक चल जाइए, फिर यस लिखा हुआ है जो आप जितना भरे हुए हैं उसका यस करिएगा तो यहाँ पे जो 10 दिखा रहा है वहाँ पे 1 दिखाएगा, और नो कीजिएगा तो जो 10 दिखा रहा है वो 10 ही रहेगा। सर 10 से 10 से क्या मतलब, 10 क्या है वो 10 फोल है, पहले वाला जो फोल है। अभी यस करेंगे तो एक वन फोल आ गया, मतलब एक टर्न। उसके क्या होता है एक फोल का मतलब, एक रोप, सिंगल रोप, सिंगल रोप। ओके सर, ठीक। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान और बटन का भी, और सर बटन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपका, और अभी दोस्तों इतना वीडियो आपके लिए जरूरी है, पहले मैं आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।